सुप्रभात, मैं शुभांगी स्वागत करती हूं आपका देवभूमि इनसाइडर में। रुक करते हैं आज की सुर्खियों की ओर। सबसे पहले देश और दुनिया की खबरें। 18 प्लस आयु के लोगों को भी लगेगी एहतियाती खुराक, 10 अप्रैल से निजी केंद्रों पर होगी उपलब्ध। सड़क निर्माण के क्षेत्र में पूरे देश में अव्वल रहा जम्मू कश्मीर का उधमपुर, टॉप 30 जिलों की सूची जारी। यूके ने लगाई पुतिन और लावरोव की बेटियों पर प्रतिबंध, रूसी कोयले पर ईयू की रोक अगस्त से। रोहतक में सीएम के दौरे से पहली वारदात, एटीएम में कैश डालने आई कंपनी कर्मचारियों से 2.5 करोड़ की लूट, सुरक्षा गार्ड को मारी गोली। सरकार के लिए राहत, वित्त वर्ष 2022 में हुआ रिकॉर्ड कर संग्रह, 27 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा आंकड़ा। तो ये थी सुर्खियां देश और दुनिया की। अब बढ़ते हैं उत्तराखंड की सुर्खियों की ओर। उत्तराखंड में जहां भ्रष्टाचार, तुरंत करें शिकायत, सीएम धामी ने लॉन्च किया ऐप 1064। सहकारी बैंकों में भर्ती घोटाला, मंत्री धन सिंह बोले 15 दिन में पूरी होगी जांच, दोषियों को मिलेगी सजा। दिल्ली पंतनगर के बीच हवाई सेवा शुरू, 16 यात्रियों को लेकर पहुंचा स्पाइस जेट का विमान। लोहारी गांव पहुंचे कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह, विस्थापन को लेकर खड़े किए सवाल। रुड़की तहसील में कानून को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा, विजिलेंस टीम कर रही पूछताछ। तो ये थी आज की सुर्खियां। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप। जय हिंद।